subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. रिया चक्रवर्ती की हालत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पुलिस ने के बाद एक उनको दो तीन बार बुला लिया है कस्टडी के अंदर और पूछे हैं ढेरों सवाल कि आखिरकार सुशांत की मौत से पहले क्या कुछ हुआ था दोनों के बीच में, कैसे दोनों का रिलेशन था और साथ ही दोनों की लड़ाई के बाद क्या कुछ हुआ। जिसके बाद रिया ने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया है और कह दिया है कि वो सुशांत के आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं थी, उससे पहले ही वो सुशांत को छोड़कर चली गई थी क्योंकि सुशांत ने खुद ही कहा था कि रिया मेरी लाइफ से चले जाओ। ये सारे बयान दिए हैं रिया ने, जिसके बाद पुलिस को अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ऐसे में आपको एक और जानकारी दे दें कि रिया की हालत जब बिगड़ रही है यानी उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जिस शख्स से जोड़ा जा रहा है रिया का नाम वो है महेश भट्ट। जी हाँ, महेश भट्ट से जोड़ा जा रहा है रिया का नाम। दोनों के कई सारे पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं जिन पिक्चर्स को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरकार रिया और महेश भट्ट के बीच में क्या रिश्ता है। रिश्ते की बात आई तो महेश भट्ट भी चुप नहीं बैठे और वो रिया के सपोर्ट में काफ़ी कुछ कह रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी बोल रहे हैं कि वो रिया को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे यानी पुलिस कस्टडी से बाहर निकालेंगे। ऐसे में भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुशांत के केस को पुलिस किस तरह से सॉल्व करेगी या फिर महेश भट्ट अपनी ताकत से रिया को इस सारे जंगल से बाहर निकाल लेंगे। अब क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं, इस बात से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर लौटेंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.